हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम। वेलकम टू राम आसवानी रिव्यू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों मैं मूवी रिव्यू करूंगा ईटी का। जी हां, जिसको आज पैन डिस्क हेल्प पर रिलीज किया गया। और आपको बताऊंगा कि मैंने जब ये फिल्म देखी, मेरा क्या एक्सपीरियंस था इस फिल्म को देखकर, तो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप भी सूर्य सर के डाइट फैन हो, इंतजार करते हैं उनकी मूवीज़ का, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ईटी मूवी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म थी तमिल इंडस्ट्री की। जब हमने सूर्य सर की मूवी जय भीम देखी थी ना, तब भी मतलब कितने अटैचमेंट, कितने दीवाने हो गए थे हम उस मूवी से। तो दोस्तों, वैसे ही एक और सोशल मूवी सर लेकर आए जिसका नाम है ईटी। जी हाँ, जो वुमेन पे बेस्ड है फिल्म। तो आज की वीडियो अंदर मैं बताऊंगा फिल्म की बेसिक स्टोरी क्या है। देखो, ये फिल्म बेस करती है दो गांवों पर, जहाँ पे हमारे सूर्य सर हैं, उनका रोल प्ले किया उन्होंने एक वकील का, और इनके करेक्टर का नाम है कृष्णा मोहन। में ट्विस्ट हमें जब देखने को मिलता है, जब सारी फिल्म के अंदर हमें देखने मिलता है पॉर्न मूवीज़ बनाई जा रही है, स्कैंडल चल जा रहा है बहुत ही बड़े स्केल पर। अब हमारे जी हाँ सूर्य सर इनको कैसे हैंडल करते हैं और कैसे उन लड़कियों को बचाते हैं, उसके ऊपर दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया। लेकिन इनका जो बेसिक प्लॉट है ना, सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मैसेज देना है। अब बात करते हैं फिल्म में प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट है इस फिल्म के सूर्य सर। जी हाँ, वो इस फिल्म की दिल और जान है। अगर शरीर में दिल और जान चाहिए ना, तो मान के चलो वो है। उन्होंने एक सीन के अंदर भी ना कहीं भी अपने परफॉर्मेंस को ना नीचे नहीं किया। पूरी फिल्म है ना, उन्होंने अपने सिर पे उठा रखी और इतनी शानदार तरीके से उन्होंने अपने करेक्टर को निभाया दोस्तों, कहना ही क्या है। अगर बात करें फिल्म के फर्स्ट हाफ की, तो दोस्तों आपको फर्स्ट हाफ के अंदर आपको सिंपल स्टोरी विद गुड थ्रिल देखने को मिलेगा। जी हाँ, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांच आने वाला। अगर बात की जब पार्ट टू की, यानी इंटरवल की बात की, तो दोस्तों इतनी शानदार स्टोरी हमें देखने मिलती है इंटरवल के बाद, कहना क्या है। जो लास्ट का जो क्लाइमेक्स सीन है ना, वो तो मतलब जान है। और साथ में सूर्य सर के डायलॉग है ना, वो तो आउटस्टैंडिंग है। यानी एक गुड सोशल फिल्म, इसको आराम से अपने जब बोल सकते हैं, एक और बेस्ट फिल्म है सूर्य सर ने दी है। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, क्या आपने अभी तक इस फिल्म को देखा है या दोस्तों देखने का प्लान कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर बताना। और सूर्य सर की कौन सी फिल्म आपको सबसे बेस्ट लगती है, उसका नाम भी मेंशन जरूर करना। तो मिलते हो अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।